अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं अपने नए व्लॉग के साथ जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे मार्को पोलो पीसी पर कॉन्टिनेंटल के अंदर डिनर। ये हैं उसकी कुछ तस्वीर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं और मेरी फैमिली गए थे यहाँ पे डिनर करने के लिए। ये उसकी कुछ अंदरून तस्वीरें हैं जहाँ पे उनकी टेबल सेटिंग्स, उनके मेन्यू एरियाज़ और डाइनिंग एरियाज़ हैं मार्को पोलो के। ये बहुत ही अच्छा एरिया था जहाँ पे आप छुप के आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। ये वो डेकोरेशन के लिए सेंटर ऑफ द मार्को पोलो है। ये यहाँ पे आप स्वीट्स हासिल कर सकते हैं, ये वो एरिया है। और यहाँ पे आप मेन्यू के साथ अगर आपने ऑर्डर किया बुफे, तो बुफे में आप यहाँ से अपनी पसंद की अशिया को खा सकते हैं। आगे बहुत ही मज़ेदार था यहाँ का डिनर, बहुत ही हमने इंजॉय किया मैं और मेरी फैमिली ने। हम जब यहाँ पे एंटर हुए तो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी जो लगी अट्रैक्शन वाली चीज़ है वो थी यहाँ की पेंटिंग्स। पेंटिंग्स तो हमेशा ही यहाँ की अच्छी लगती हैं जब भी आप लॉबीज में से गुजरते हैं। ये इसका बाहर वाली साइड का एरिया था जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स और थी जिनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट एक और पेंटिंग थी इकबाल के बारे में, जो इकबाल की थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनी हुई थी। यहाँ पे एक और पेंटिंग थी, यहाँ मेरे बेटे ने आके मुझे बताया कि मेरे पास गाड़ी की चाबी है, तो मैंने कहा ठीक है आप ले जाओ। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले गए तो यहाँ पर भी कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी जो कि मुझे पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन जब मैंने गौर किया तो वो पेंटिंग्स नहीं थी, कुछ यहाँ की ऐसी चीज़ें थी जिनकी इंट्रोडक्शन दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आगे गए तो लॉबी में यहाँ पर एक कॉर्नर पे शहद रखा गया है जो कि मुख्तलिफ कंट्री से कलेक्ट करके यहाँ पे रखा गया है। साथ में उनके कंट्रीज़ और उनकी सब कुछ बताया गया था। शहद यहाँ पे पैकिंग के साथ था, आपको इसमें टेस्ट करने के लिए नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पर साइड पर एक झूला था जिसमें मेरा बेटा बैठा हुआ झूले ले रहा था। उससे पहले जो छोटी सी बच्ची बैठी थी उसको उसने उठा दिया, या फिर वो खड़ी बैठी ही नहीं थी क्योंकि मैंने उसको बैठी नहीं देखा था, लेकिन ये खूब इंजॉय कर रहा था। फिर इसको ले कर हम थोड़ा सा आगे गए तो आगे, क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा बेटा स्पीड में भागता हुआ जा रहा था आगे। तो फिर देखा तो सामने माहिद भी फिर रहा था। तो यहाँ पर इसका रिसेप्शन एरिया था और यहाँ पर कुछ और भी बहुत सारे होटल हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ये इनका एक्वेरियम है, तो अगर आपको एक्वेरियम अच्छा लगा तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको फिशेज अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इस रिलैक्सेशन टाइम कि मैं यहाँ पे देखती हूँ इनको, इनके पास बबल्स को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जब हम जाते हैं और ये व्यू नज़र आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ही मज़ा आता है मुझे जब मैं और मेरी फैमिली यहाँ पर अक्सर आते हैं खाना खाने के लिए और इंजॉय करते हैं तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर हमारा डिनर जो था वो आ चुका था, सर्व हो चुका था। नान जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार थे और कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी। इसके अलावा सैलड, रायता और वो सब कुछ, और जो इनके ड्रिंक्स देने का अंदाज़ है वो सबसे अच्छा था। ये लोग हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि हम इनके लास्ट कस्टमर थे मार्को पोलो में, बाकी ने लाइट्स ऑफ कर दी थी और ये हमारा वेट कर रहे थे। फिर यहाँ से हम खाना खाने के बाद बाहर निकल आए और बाहर बैठ के हम लोग कुछ देर के लिए टी को इंजॉय करने लग गए कि थोड़ी सी टी पी जाए और साथ में माहौल को भी देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वेडिंग रिसेप्शंस के लिए। कुछ मैंने प्रीटी सी ब्राइडल्स भी देखी और उनके साथ वो फोटो सेशन भी हो रहे थे, वो भी देख रहे थे, तो हम खूब इंजॉय कर रहे थे यहाँ बैठ के। इनकी टी एरिया था और वो गाड़ी, ये तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये बार बार कहते हैं कि मम्मा इसको हम घर कब ले जा सकेंगे, तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि बेटा जब अल्लाह पाक ने चाहो तो हम इसको घर भी ले जाएंगे। बहरहाल कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे दर्ज था जो कि मैंने देखा और पढ़ा भी, लेकिन मुझे उस वक्त क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और मेरा ध्यान कहीं और था, दूसरा सुफियान गाड़ी के ऊपर बैठ गया था, तो इनके जो होते हैं वो आदमी वो मना करते हैं। ये हम वापस जा रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर के व्यू का भी आपको दिखाया जाए कि कैसे फोग नहीं स्मोग ने माहौल बनाया हुआ है, क्योंकि हल्की हल्की स्मोग हो चुकी थी और हम घर जा रहे थे। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।
और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।